आज नाज़रीन हमने जिस बूटी का इंतखाब किया है वो हमारी जानी पहचानी है, लहसुन, सौम, थूम, गार्लिक। नाज़रीन 5000 साल पहले की तारीख रखने वाला ये फल, सब्जी या बूटी खून को पतला करने की सलाहियत रखता है और आज जदीद दौर में, जदीद अद्वियात के दौर में लहसुन की अफादियत मुसलम है। जो लोग कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं उनके लिए लहसुन की तुरियों का इस्तेमाल बहुत अच्छी दवा है। बहुत सारे लोग ये मशवरा देते हैं कि लहसुन का इस्तेमाल सुबह नहार मुंह किया जाए। मैं नहार मुंह इस्तेमाल करने का मुखालिफ हूं, इसलिए कि लहसुन में फरारी रोगन मेदे में अल्सर पैदा कर सकता है, उससे बचने के लिए लहसुन को चटनी के तौर पर इस्तेमाल कीजिए। हरे धनिये पुदीने के साथ लहसुन का इस्तेमाल न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा बल्कि उन खराब असरात से भी बचा लेगा जिसका शिकार अल्सर की सूरत में आप हो सकते हैं। खून पतला करने के अलावा लहसुन की सलाहियत बलगम का निकालना है। लहसुन को अगर तेल में जलाकर पैरों के जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल किया जाए तो भी लहसुन की अफादियत कम नहीं होती। एक बहुत अहम दवा, नाज़रीन एक साहब को मैंने देखा कि वो ऐसे लोगों को एक पेस्ट दिया करते थे, बड़ा महंगा देते थे, जो बाल उगा देता था, गंज पर बाल। मैं बहुत तगोदौ करता रहा कि उनसे वो नुस्खा मालूम करूं। आखिर में पता ये चला कि वो लहसुन की तुरियों को जैतून के तेल में पीस कर फेंटते हैं। जैतून के तेल के साथ लहसुन को फेंटने के बाद उस पी का इस्तेमाल गंज ठीक कर सकता है जो शायद आज हमारे माशरे की जरूरत है। नाज़रीन महज सब्जी के तौर पर खाने के साथ अदरक और लहसुन का इस्तेमाल हमारी रिवायत है, लेकिन इस रिवायत में थोड़ी सी तब्दीली अगर कर ली जाए तो यह हमारे लिए बहुत अच्छी दवा बन सकती है। मसलन जितना भी अदरक लहसुन आम तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं अगर इसकी मकदार बढ़ा ली जाए। अदरक का फायदा यह है कि वो बलगम निकालती है, हाजमे के निजाम को ठीक करती है। लहसुन का फायदा यह है कि ये बलगम को निकालती है, हाजमे के निजाम को ठीक करती है, खून को पतला रखती है। अगर इन दोनों चीजों को मिला लिया जाए तो अदरक के अफाल को यकीनन बेहतरी मिलेगी लेकिन लहसुन की अफादियत बढ़ जाएगी। अगर फर्ज करें कि महज अदरक और लहसुन के ज्यादा इस्तेमाल के बाद हम अपने खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल के अमराज से बचने की एक सबील पैदा कर लें तो क्या ही अच्छा सौदा है। और यही सौदा हम चाहते हैं, इसलिए कि हम कुदरती जड़ी बूटियों से नेचर के करीब रहकर इलाज के कायल हैं और यही इल्म हम आपको देना चाहते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Oh,